फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं, अगर आप मेरे बालों के ऊपर फोकस करें तो उसको फोकस करें अगेन, जो मेरी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में उस पर फोकस करने से ज़्यादा बेटर रहेगा। होप मेरे को मालूम है, और जो बाल हैं मेरे जो हेयर हैं वो थोड़े अजीब दिख रहे हैं, बट थोड़ा एडजस्ट कर लो। बट जो वीडियो का कॉन्टेंट है वो हमेशा की तरह अच्छा ही देने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ओमान सलीम, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मेहुटेकी। फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर वीडियो एडिटिंग के बारे में। फ्रेंड्स, मैंने प्लान किया है आने वाली 3 से 4 या 5 6 वीडियो जो होगी वो सिमिलर रहेगी, बट थोड़ा थोड़ा जो मेरा पर्सपेक्टिव है हर वीडियो में चेंज रहेगा वो ये है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीडियो एडिटिंग के बारे में। आज मैं बताऊंगा, अगर आपको ही मालूम है, जैसे कि हर एक बंदे को मालूम है कि आप भी घर में ही होंगे, अभी जो लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है हर एक कंट्री के अंदर, जो इंडिया की बात करें चाहे हमारे मुल्क पाकिस्तान की बात करें, हर जगह आपको लॉकडाउन देखने को मिल रहा है। तो इसके अंदर आपने जो टाइम को है वेस्ट करने के बजाय अगर आप कुछ अच्छी चीज़ या अच्छी कोई चीज़ स्किल जो है अगर वो सीखेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको भी इंटरेस्ट है वीडियो एडिटिंग के अंदर, तो अगर आपकी जो आज की जो वीडियो है अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो माइंड है वो थोड़ा क्लियर हो पाएगा, और मैं आपको कुछ जो पर्सनली भाई वाले जो रिकमेंडेशन है वो देने वाला हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड, बात करने वाले हैं वीडियो एडिटिंग के बारे में। सबसे पहले जब हमारे को ऐसा कोई कोर्स को सीखना होता है तो जो नॉर्मली जो टिपिकली हमारा जो माइंड चलता है वो तो यही होता है कि हम किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। फ्रेंड, मैं आपको पर्सनली ये गारंटी से कह सकता हूँ, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे तो आपके 30,000 रुपये तो आप पक्के समझें। बिकॉज ऑफ दैट जो वीडियो एडिटिंग सिखाएंगे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं, नॉर्मल सी बात है। ये 30,000 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं वीडियो एडिटिंग के लिए। वो लोग ये होगा कि 6 महीने का वो आपको एक्सपर्ट बना देंगे आपको ब्रोशर के अंदर। मैंने काफ़ी ब्रोशर पढ़े तो उसी की बेस पर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। सिंपली ये है कि मैंने पढ़ा है, या 3 महीने का कोर्स वीडियो एडिटिंग का सिखाते हैं, 6 महीने का कोर्स सिखाते हैं। 6 महीने के कोर्स के अंदर समझो कि 6 महीने के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर 5,000 रुपये लिया तो कितना बना, 30,000 सिंपली। अगर 3 महीने का कोर्स है तो 15,000 या 20,000 फॉर एग्जाम्पल अगर कोर्स की जो फीस है आगे पीछे करते हैं। बट 30,000 आप अगर आपको एक्सपर्ट बनना है किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू, नॉर्मल सा जो इंस्टीट्यूट है तो 30,000 समझे। अगर कोई अच्छा है तो 50,000 रुपये कहीं नहीं गए, कि आपको मैं वो मालूम है इसलिए बता रहा हूँ, बाकी कोई और बात नहीं है। तो आप ये समझ लें यानी कि 30,000 रुपये की आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी अगर आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी है। और आप हो सकता है आप में से भी यही लोग, कुछ लोग रुक जाते हैं क्योंकि आप कहते हो मैं इतनी जो फीस है वो अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। तो फ्रेंड, आप बैठे क्यों फ्री, आप ऑन करें यूट्यूब को, गूगल को, और सर्च करें वीडियो एडिटिंग के बारे में, आपका जो माइंड है वो क्लियर हो जाएगा। अभी तक सर्च नहीं किया और ये वीडियो पे आ गए हैं गलती से, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे सीखने, कौन सा सॉफ्टवेयर सीखने, और किस तरीके से आप पक्के हो सकते हैं वीडियो एडिटिंग के अंदर। मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड, मेरे को पक्की उम्मीद है आप भी विंडोज़ यूज़ करते होंगे मेरी तरह। जितने भी हमारे दोस्त हैं वो तकरीबन पाकिस्तानी हो चाहे इंडियंस हो, वो तकरीबन जो लोग हैं वो विंडोज़ को यूज़ करते हैं। अगर विंडोज़ वाली साइड से हम बात करें, आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी है विद परफेक्ट इफेक्ट जो हम देखते हैं बॉलीवुड की मूवीज़ के अंदर, चाहे हम बात करें हॉलीवुड की किसी मूवीज़ के अंदर, अगर आपको इस टाइप के इफेक्ट बनाने, जो हार्ड कोर जो हैवी इफेक्ट्स होते हैं, तो उसके लिए तो होता है सॉफ्टवेयर अलहदा, वो फील हो जाती है थोड़ी वो एडवांस लेवल की, बहुत यानी कि एडवांस लेवल की फील हो जाती है। और हैवी जो सॉफ्टवेयर कहलाता है वो है एडोबी आफ्टर इफेक्ट फॉर इफेक्ट्स के लिए, नाम से मालूम चल रहा है। हम बात कर रहे हैं इसमें ज़्यादातर वीडियो एडिटिंग की, तो वीडियो एडिटिंग अगर आपको सीखनी है विंडोज़ में तो सिंपली एक सॉफ्टवेयर है, आपको मालूम ही होगा, किसी की तारीफ की ज़रूरत नहीं है सॉफ्टवेयर के लिए, वो सिंपली है एडोब प्रीमियर प्रो। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को मुकम्मल तरीके से अच्छे तरीके से हर चीज़ को उसकी सीख जाते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप एक अच्छे एक्सपर्ट बन चुके हैं वीडियो एडिटिंग के अंदर। एक गारंटी से कह सकता हूँ, अगर आप अच्छे तरीके से सॉफ्टवेयर को सीख जाते हैं, आपका माइंड क्रिएटिव है, तो और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप एक अच्छे वीडियो एडिटर बन चुके हैं एक्सपर्ट लेवल के ऊपर। अगर हम बात करें इफेक्ट बनाने के लिए, तो अगर आपको इफेक्ट बनाने हैं यानी कि विजुअलाइज जो इफेक्ट होते हैं, VFX होते हैं, इस टाइप के जो इफेक्ट्स होते हैं, अगर आपको ये बनाना है तो आप सिंपली सीख सकते हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट को। ये जो दोनों सॉफ्टवेयर है ये विंडोज़ में भी चल जाते हैं, मैक में भी चल जाते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर मैं ज़्यादातर इसीलिए रिकमेंड करता हूँ बिकॉज ऑफ देयर, अगर आप किसी भी शहर के अंदर बैठे हैं, कहीं भी आपको कोई भी लैपटॉप मिल रहा है, चाहे मैक मिले चाहे विंडोज मिले, तो आप ये दोनों सॉफ्टवेयर को हर जगह यूज़ कर सकते हैं ईजिली। बस ये एक मेन रीज़न है। अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ मैक के लिए, तो एक सॉफ्टवेयर आता है फाइनल कट प्रो, जो मैक का काफ़ी जानदार सॉफ्टवेयर है, काफ़ी फेमस सॉफ्टवेयर, और हर एक बंदा जो प्रोफेशनल वाला है वो मैक वाला जो यूज़र्स होता है वो हमेशा ही मैक के अंदर फाइनल कट प्रो को यूज़ करता है। अगर आप भी उसी लाइन के अंदर हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, अगर आपका माइंड यही है कि वो सिर्फ आगे की जो फील्ड वो सिर्फ और सिर्फ वो फाइनल कट प्रो ही सीखना है और कोई सॉफ्टवेयर नहीं सीखना, तो आप सीख सकते हैं भले, वो भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन सॉफ्टवेयर है एडोबी प्रीमियर प्रो की तरह। हम लेकिन बात कर रहे हैं यहाँ पे एडोबी प्रीमियर प्रो की। अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो आप ज़्यादा सॉफ्टवेयर सीखेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब सीखना कैसे है, मेन बात यह आती है, आपको ये मालूम है, मेरे को ये मालूम है, लॉकडाउन की सिचुएशन है, इसमें हर एक बंदा जो है फ्री बैठा है, तो अपना जो फ्री वाला जो टाइम है उसको वेस्ट किए बिना अगर आप यूट्यूब के ऊपर जाएंगे, सिंपली लिखेंगे, आपको ये तो बात मालूम चल गई वीडियो एडिटिंग सीखनी है विंडोज़ में तो एडोबी प्रीमियर प्रो, अगर इफेक्ट सीखने हैं तो एडोबी आफ्टर इफेक्ट।
क्लियर है। आप सिंपली जाएं यूट्यूब के ऊपर लिखें एडोब प्रीमियर प्रो सीसी 2020 या 2019 या 2018 या 2017, जो भी वर्जन सीखना हो उसके आगे लिख दें इन उर्दू, इन हिंदी, इन इंग्लिश, जो भी आपको सूटेबल रहती है आपकी नियर बाय, जो आपकी जो लैंग्वेज जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको समझ आती है, वो लिखेंगे आपके नाम। तो आपको सिंपली इतने हज़ारों की तादाद, लाखों की तादाद में जो है ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, आर्टिकल्स मिल जाएंगे गूगल के ऊपर, अगर आप इस टाइप की चीज़ें रिसर्च करेंगे। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, जो इंस्टीट्यूट वाले होते हैं उनको मेरे को पसंद ही नहीं है, इंस्टीट्यूट का जो सिनेरियो रहता है हमेशा से वो मालूम है कि एक चीज़ आज बताएंगे नेक्स्ट डे उसकी प्रैक्टिस होती है, अगर प्रैक्टिस नहीं भी होती तो एक एक दिन के बाद हमको वेट करना पड़ता है आज क्या बताएंगे। हो सकता है जो आज बताया वो मेरे को ऑलरेडी मालूम है, बेसिक चीज़ थी, अब मैं कहूँगा कि मेरे को और बताओ, तो इस तरीके से वहाँ काम नहीं चलता। इसके अंदर आपको एक चीज़ मिलता है, घर में अगर आप बैठ के यूट्यूब से सीखते हैं तो सिंपली फ्रेंड आपको जितना सीखना है, जितना कम सीखना है या ज़्यादा सीखना है वो आपकी मर्ज़ी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप शौकीन हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि प्रीमियम लेवल की अगर आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी है बिल्कुल प्रोफेशनल वाली, बिल्कुल एंड यानी कि सीखने वीडियो एडिटिंग का अगर आपको शौक है तो एक मंथ से ऊपर का ये जो कोर्स एडोब प्रीमियर प्रो का नहीं हो सकता। आपको बिल्कुल मास्टरी करनी है तो मैं रियली बता रहा हूँ एक मंथ के अंदर आप बिल्कुल अच्छे तरीके से मास्टर बन सकते हैं वीडियो एडिटिंग के अंदर एडोब प्रीमियर प्रो को सीख के। अगर आपको इफेक्ट बनाना सीखना है तो उसके लिए थोड़ा और टाइम लग सकता है, एक मंथ और अगर उस सॉफ्टवेयर को देंगे एडोब आफ्टर इफेक्ट को, तो आपको वो भी जो सॉफ्टवेयर है वो भी आप सीख जाएंगे। बट अगर हम बात करें वीडियो एडिटिंग की ओनली ऑन, तो एक मंथ से ऊपर का सॉफ्टवेयर नहीं है, और जो इंस्टीट्यूट वाले जो है खींचते हैं सॉफ्टवेयर को 6-6 मंथ, 8-8 मंथ, 3-3 मंथ तक, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं रियली बता रहा हूँ एक मंथ तक अगर आप लर्न करेंगे विद प्रैक्टिस, ऐसा नहीं सिर्फ आप लर्न किए जा रहे हैं यूट्यूब पर वीडियो देखे जा रहे हैं तो इस तरह से काम नहीं चलने वाला। आप रोज़ाना आप बिल्कुल आप फ्री हैं 5-6 घंटे अगर आप देते हैं इस स्किल के ऊपर रेगुलर बेसिस के ऊपर, तो आप इजीली सीख सकते हैं। अगर हम कैलकुलेट करें 5 को 30 से, तो 150 से 200 घंटे की कुछ ड्यूरेशन बनती है, आप इसमें आराम से सीख सकते हैं। जो कि इंस्टीट्यूट के अंदर आपको मालूम है आप इंस्टीट्यूट जाते हैं उधर से जो टीचर या ट्रेनर्स होते हैं वो आपको 15 से 20 मिनट मैक्सिमम देते हैं, और उसमें भी जो शॉर्टकट चीज़ें समझा के निकल जाते हैं। तो इससे अच्छा बेटर ये रहेगा कि आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे अच्छे जो यूट्यूब पर चैनल्स देखने को मिलेंगे, गूगल के अंदर आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, काफ़ी जो माइंड आपका क्लियर हो जाएगा। वीडियो में का सिंपल ये मकसद था कि आप सीख सकते हैं, आपको एक यानी कि मोटिवेट करना चाह रहा हूँ। अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं और आप रुके हैं किसी भी चीज़ से तो रुके ना भाई, यूट्यूब से आप बिल्कुल एक्सपर्ट बन सकते हैं, मैं ये आपको गारंटी दे सकता हूँ। और मैं आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो बना के बताऊंगा कि कल की वीडियो में बताने वाला हूँ ग्राफिक डिजाइनर किस तरीके से बन सकते हैं, फिर नेक्स्ट वेब डिज़ाइनर वेब डेवलपर, एंड फिर हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। ये जो आने वाले जो इतनी भी वीडियोज़ हैं इन्हीं टॉपिक के ऊपर रहने वाली है, तो अगर आपको भी इसी टाइप का कुछ भी इंटरेस्ट है तो मुझे नीचे कमेंट करके तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो बस यही थी बात फ्रेंड्स, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा वीडियो को, तो यही थी आप सीख सकते हैं भाई। आप किसी भी चीज़ का वेट ना करें, आप ऑन करें यूट्यूब को गाने सुनने या कोई फिल्म देखने से बजाय, अगर आप इस स्क्रिप्ट के ऊपर आप ध्यान देंगे फोकस करेंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि फ्रेंड आप इस फील्ड के अंदर आप एक्सपर्ट बन सकते हैं इन अ 1 मंथ। अगर आप रेगुलर 3-3 घंटे या 4-4 घंटे की जो टाइम ड्यूरेशन है बिल्कुल सही तरीके से लगाते हैं ध्यान से, अगर आपको शौक है, हो सकता है कि आप में से ऐसे लोग हो जो ऑलरेडी कैम टेस्ट या वंडरशॉट जैसे जो बेसिक सॉफ्टवेयर है वीडियो एडिटिंग के अंदर उसको जानते हो, उसके अंदर टाइम का जो माइंड होता है यानी कि जो टाइमलाइन होती है अगर आप उसको समझ जाएं तो आपका जो काम है काफ़ी इजी हो जाता है वीडियो एडिटिंग के अंदर। वीडियो एडिटिंग बहुत ही सिंपल है रियली फ्रेंड्स, इसके अंदर इतना दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, काफ़ी सिंपल है। अगर आप सिंपल लेंगे, अगर आप उसको यानी कि कुछ हवा बना देंगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल ईजी सॉफ्टवेयर है वीडियो एडिटिंग के लिए एडोब प्रीमियर प्रो। आप सीखने लगें, आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उनको कमेंट करके पूछेंगे तो गाइड भी मिल जाएगी, गूगल आप करेंगे तो आपको जो क्लियर होता जाएगा माइंड। आप जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे सॉफ्टवेयर पर आके तो आपका जो माइंड है क्लियर नहीं हो पाएगा। और एक और बात बता दूँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं वीडियो एडिटिंग सीखना चाहता हूँ, मेरा सीपीयू नहीं है कि कौन सा सीपीयू बनवाऊँ वीडियो एडिटिंग के लिए, तो उसके लिए जो वीडियो है मैं कल लेके आने वाला हूँ आप सब दोस्तों के लिए, बताऊंगा कि वीडियो एडिटिंग के लिए कौन सा बेसिक और बिगिनर्स के लिए कौन सा बेस्ट होने वाला है, वीडियो एडिटिंग के लिए जो सीपीयू है कौन सा बनाए, क्या एस्पेक्ट सूट रहती है वीडियो एडिटिंग के लिए। फ्रेंड्स बस आज की वीडियो इतनी थी, जितनी मेरे पास नॉलेज थी वीडियो एडिटिंग को लेकर मैंने आप सब दोस्तों से शेयर कर दी। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करूंगा कि आपको आज की जो वीडियो है पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी मत भूलें, और साथ वाले बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली न्यू वीडियो की आपको अपडेट मिल सके। इस वीडियो फिलहाल नहीं था, देखने के बहुत सारा शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।